नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सबका फेवरेट पिज्ज़ा, और वो भी हम चिकन पिज्ज़ा बनाएंगे और तवे पे। आप इसको अवन या इसको कढ़ाई में वैसे भी बना सकते हैं, मगर इसको आज हम तवे पे बनाना बताएंगे। और पिज़्ज़ा तो सभी को पसंद है, तो इसलिए आज हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। इसके लिए हमने पिज़्ज़ा लिया है, ये रेडीमेड पिज़्ज़ा है। आप चाहें तो इसको घर में भी बना सकते हैं, और फिर आपको हम वीडियो में बनाना बताएंगे कि पिज़्ज़ा बेस कैसे बनता है। और ये हम बाज़ार से इस तरह का पिज़्ज़ा बेस लेके आए हैं, और हम चिकन वाला बना रहे हैं, तो इसके लिए हम चिकन सॉसेस हैं ये हम लेके आए हैं। और इसको पहले हम थोड़ा सा इसको मक्खन में थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। और मोज़रेला चीज़ है, इसको हम ग्रेट करेंगे। और हम थोड़ा अमूल का मक्खन ले रहे हैं जो गार्लिक वाला है। और हमारा ये होममेड पिज़्ज़ा बेस सॉस है ये। और इसमें कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च इस तरह की हम रिंग काट लेंगे। और थोड़ी ये प्याज है, इस तरह हमने डाइस में काटा हुआ है। और एक हम लाल मिर्च लेंगे, और जिसके हमने बीच निकाल दिए हैं इस तरह से। और हम थोड़ा सा पार्सले लेंगे, और थोड़ा सा ये चाइनीज सीजनिंग लेंगे। सबसे पहले हम इसको हल्का सा सेक लेंगे, और मोज़रेला चीज़ें जो हम इसको हम हल्का सा ग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम मोज़रेला चीज़ को हम ग्रेट करेंगे। और हम दो पिज़्ज़ा बेस में हम ये तीन सॉसेस हैं ये इनको हम डालेंगे। और पिज़्ज़ा में मेन चीज़ होता है, जब तक चीज़ ज़्यादा ना हो जब तक पिज़्ज़ा खाने में मज़ा नहीं आता है। और हम चीज़ इसमें बढ़िया डालेंगे तभी अच्छा बनेगा। देखिए हमने इस तरह इसको ग्रेट कर लिया है इस तरह। देखिए हमने पिज़्ज़ा चीज़ को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा मक्खन डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। तवा गर्म हो चुका है, और इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे। और ये बटर हम गार्लिक वाला ले रहे हैं, गार्लिक हर्ब्स वाला। और इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और इसको हल्का सा फैला देंगे। और इसमें हम ये सॉसेस डाल देंगे, और इसको हल्का सा इसको हल्का सा हमें पकाना है। बाकी हम तवे पे ही इसको पकाएंगे। और इसको हल्का सा घुमाते हुए इसको हम सेक लेंगे। और इसमें हम पिज़्ज़ा में हम चिकन वाला बना रहे हैं, तो हम इसमें चिकन सॉसेस डाल रहे हैं। आप चाहें तो, अगर ये नहीं मिल पा रहा है या आप नहीं इसको लाना चाह रहे हैं, तो आप चिकन ला के भी आपको थोड़ा सा पतले पतले स्ट्रिप में काट के उसको हल्का सा मक्खन में या रिफाइंड ऑयल में उसको हल्का सा इसको सौते कर लें, जरा सा उसमें नमक या काली मिर्च हल्का सा डाल के इस तरह। तो मगर हम इसमें सॉसेस डाल रहे हैं। लीजिए अब ये तैयार हो गया है, और इसको हम निकाल लेंगे, और इसके अब हम टुकड़े कर लेंगे। इस तरह इसके हम बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे। लीजिए हमने इस तरह चिकन के सॉसेस तरह हमने काट लिए हैं इस तरह टुकड़ों में। अब हम इसका बेस बनाएंगे। जी सबसे पहले हम पिज़्ज़ा लेंगे, और उसमें हम ये होममेड हमारा ये पिज़्ज़ा बेस सॉस है हमारा ये, इसको हम अच्छे से लगा देंगे। इसको हम बराबर से फैलाते जाएंगे किनारे से,
इसलिए मैंने इसको चारों तरफ से इसको फैला दिया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, और इसमें हम थोड़ी सी मोजरेला चीज डालेंगे, तो मैंने चारों तरफ से इसको मोज़रेला चीज़ को हमने फैला दिया है। और इसमें अब हम शिमला मिर्च लगा देंगे इस तरह, इस तरह हाथ से इस तरह फैला दें इसको। और अब हम चिकन सॉस इस तरह डाल देंगे, और इसकी में टॉपिंग बहुत अच्छे से करनी है। और संग में हम इस तरह हम डाल मिर्च हमने डाल रहे हैं इसमें, और इसके हमने बीज सारे निकाल दिए हैं। और संग में हम ये पार्सले और थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे, और इसमें हम ये चाइनीज सीजनिंग है ये हम डाल देंगे। और थोड़े से हम प्याज भी रख देंगे, और थोड़ा सा हम चीज ऊपर से डालेंगे। हमारा चिकन पिज्ज़ा बेस हमारा बिल्कुल लगभग तैयार हो गया है, और एक तरफ हम गैस ऑन करने के लिए रख दिया है, और उस पर हमने फ्राई पैन यानी तवा चढ़ाया है। और जिस पैन में हमने चिकन के सॉसेस हमने इस तरह ग्रिल किया था, इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा बटर डाल देंगे, इस तरह, और गैस को थोड़ा धीमी रखेंगे, और हम पिज्जा बेस को हम धीमे से इस पर ट्रांसफर कर देंगे। और आंच को बिल्कुल ही हमें धीमा रखना है। अब हम लिड से इसको कवर कर देंगे, और इसको हम फिर 5 से 6 मिनट तक इसको मिल से पकने देंगे, जब तक ये हमारा चीज मेल्ट नहीं होता। जब तक हमारा वो पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है, जब तक सेम प्रोसेस उसी तरह हम दूसरा पिज़्ज़ा भी हम तैयार कर लेंगे, उसी तरह हम ये पिज़्ज़ा सॉस चारों तरफ से इस तरह फैला देंगे। ये हमारा होममेड हमारा पिज़्ज़ा सॉस है ये हमारा, और तो हम थोड़ा सा चीज डाल देंगे, और इसमें हम प्याज, और इसमें पहले हम रिंग्स डाल देंगे ये शिमला मिर्च की इस तरह, और इसमें हम चिकन सॉसेस और इस तरह बराबर से इसको इस तरह फैला देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा ऑरिगैनो और पार्सले ये दोनों डाल देंगे, और इसमें हम थोड़ा सा ये सीजनिंग जो हमारा ये है चाइनीज सीजनिंग ये फैला देंगे इस पे, और इसमें हम इस
इस तरह चीज़ डाल देंगे। और इसमें हम चिली इस तरह डाल देंगे और हमारा ये दूसरा भी तैयार हो गया बेस। आइए अब देख लेते हैं अगर हमारा तैयार हो गया कि नहीं। देखिए धीरे धीरे हमारा ये चीज मेल्ड होना शुरू हो गया है और इसको 1 से 2 मिनट और रखेंगे, उसके बाद हमारा ये पिज्जा तैयार है। और इसको एक बार हम खोल के इस तरह देखेंगे। लीजिए अब हमारा पिज्जा तैयार है और इसको हम निकाल लेंगे। देखिए नीचे से भी काफी अच्छा क्रस आया है और इसको हम निकाल लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा बटर और डालेंगे और दूसरा बेस भी हम और इसको इस टाइम डाल देंगे। और इसको हम ढक देंगे। लीजिए जब तक हमारा पिज्जा तैयार हो रहा है जब तक इसको हम सर्व करेंगे और इसको जब भी सर्व करें इसको गर्मा गर्म ही और इसके हम 4 पीसेस कर देंगे। देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट को तैयार है और इसको हम सर्व करेंगे। लीजिए इस पिज्जा को भी करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं और पिज्जा भी हमारा तैयार है। इसमें हमारी सारी टॉपिंग हमारी सारी मेल्ड और चीजें मेल्ड हो चुकी है और इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए हमारा बाजार जैसा बिल्कुल चिकन पिज्जा तैयार है। आप इसको इस तरह बनाएं और ये खाने में बहुत ही बढ़िया बनाएं। आप इसमें जितना चीज डालेंगे उतना ही अच्छा बनेगा ये हमारा पिज्जा और हमारे दिए तरीके इसको बनाएं। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के संग। धन्यवाद।